गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी टाइम हो रही है सुबह के 10। एज यूजुअल आज भी हम लोग थोड़ा लेट ही नींद से उठे हैं। दीदी आई है कुछ देर पहले, दीदी अभी कर रही है घर का काम और फ्रेश होके मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है चाय। सौरभ अभी ब्रश कर रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली। और यहाँ पे मैंने देखिए कल रात के टाइम पे बनाई थी आलू का पराठा। सो आप लोग ऐसे मत सोचना कि मैंने रेसिपी आप लोगों से शेयर नहीं किया, डेफिनेटली मैंने रेसिपी रिकॉर्ड करके रखी है। तो अभी आलू का पराठा मैं गर्म कर लूँगी और गर्मा गर्म चाय के साथ आज हमारा ब्रेकफास्ट एकदम सॉर्टेड है। तो जब तक चाय मेरा बन रहा है तब तक आप लोग आलू का पराठा का रेसिपी क्विकली एक बार देख लीजिए, ताकि आप अगर आप लोगों को भी बनाने की ज़रूरत पड़े तो आप यूँ बना सकते हो। मैंने बहुत ही इजी तरीके से बनाई है। आज डिनर में बना रही हूँ सौरभ के डिमांड पे आलू का पराठा। काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ, इवन काफ़ी महीने बाद बना रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने प्रेशर कुकर में आलू को बॉयल कर लिया था। 4 आलू मैंने बॉयल किया था मीडियम साइज़ का, और बॉयल होने के बाद इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। देखिए थोड़ा चीज़ की तरह दिखने में लग रहा है ना, तो इसको ना ऐसे अगर आप ग्रेट कर लोगे तो आलू का जो स्टफिंग है ना वो बहुत बढ़िया बनता है। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची और प्याज चॉप कर लिया है। हाँ, मिर्ची आपके टेस्ट के हिसाब से आप डालना, आप जितना कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैं इसमें और लाल मिर्च का पाउडर या तो फिर ब्लैक पेपर पाउडर कुछ भी नहीं डालूंगी। और यहाँ पे ना मिर्ची इतना ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है, इसलिए मैंने ज़्यादा करके हरी मिर्ची काटी है। तो हरी मिर्ची और प्याज अभी इसमें डाल देना है। फिर डाल देना है इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक, हल्दी पाउडर चुटकी भर, जीरा का पाउडर और धनिया का पाउडर भी बहुत ही कम क्वांटिटी में। मैंने ना जीरा और धनिया एक ही साथ इसी में मैंने मिला के रखी है। और ये है गरम मसाला पाउडर, ये ऑप्शनल है लेकिन अगर आप चाहो तो थोड़ा सा डाल सकते हो। और जाएगा इसमें साबुत जीरा, अगर आप चाहो तो थोड़ी सी कलौंजी भी डाल सकते हो, लेकिन मैं कलौंजी नहीं डालूंगी क्योंकि मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ी सी रोस्टेड अजवाइन। आप कच्चा अजवाइन भी डाल सकते हो, इससे ना डाइजेशन भी अच्छा होता है और फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है। यहाँ पे देखिए मैंने आटा भी लगा लिया है, थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा मैदा, थोड़ी सी तेल और नमक के साथ यहाँ पे मैंने लगा लिया है और इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया है। तब तक ना इसका स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो इन सारे चीज़ों को अभी अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पेड़े बना लिया है। अब इसको ना ऐसे कटोरी जैसा हमें शेप में लाना है, जैसे हम लोग कोई भी स्टफिंग पराठा बनाते हैं ना सेम है। तो मैंने ना यहाँ पे आलू के स्टफिंग को ऐसे मैंने गोल गोल करके डिवाइड कर लिया है ताकि मुझे डालने में ये आसानी हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ। यहाँ पे देखिए बाकी का ना थोड़ा सा बच गया है, या अगर मन करेगा तो सुबह के टाइम पे ब्रेकफास्ट में भी हम लोग आलू के पराठा या तो फिर आलू के पूड़ी खा सकते हैं। अब ना उंगली की मदद से ऐसे इसको प्रेस करते हुए ऐसे कटोरी को बंद कर देना है। ये बहुत ही इजी है, ये अगर आप एक दो बार बनाओगे ना तो आपका ना इसमें हैंड्स ऑन हो जाएगा। सी अभी ना इसको ऐसे दबा देना है इसका मुंह, और एक बार दोबारा इसको गोल बना लीजिए। तो ये हमारा एक पेड़ा बन के तैयार है। ऐसे ही सारे पेड़े को यहाँ पे बना लेते हैं। मैं ना 5 बना रही हूँ, सौरभ के लिए 3 और मेरे लिए 2। तो देखिए मैंने पहला पराठा बेल लिया है, कहीं से भी ये थोड़ा सा फटा नहीं है। तो अभी ना इसको डाल देते हैं तवा पे। तवा मैंने यहाँ पे गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। सो पराठा देखिए दोनों साइड से ही बहुत अच्छे से सीख गया है। अभी ना इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देना है। अगर आप चाहो तो आप इसको घी में भी बना सकते हो, लेकिन मैं रिफाइंड ऑयल में ही इसको बना रही हूँ। ये ना फूलता भी है बहुत अच्छे से, ये देखिए कितना बढ़िया फूल गया है। अब इस साइड में भी थोड़ी सी ऑयल लगा देते हैं। वाओ, जस्ट लुक एट दिस, एकदम से गुब्बारे की तरह फूल गया है ये। आज कारपेट भी साफ करके दी थी लिविंग रूम में, जो टेबल के वहाँ पे कारपेट होता है ना वो काफ़ी दिन से धोना नहीं हुआ था, गंदा हुआ था, तो फिर दीदी ने आज ये अच्छे से साफ कर दिया है। रात के टाइम पे तो सौरभ का मीटिंग चल रहा था, उस टाइम पे हम लोग जल्दीबाजी में डिनर कर लिए थे, तो रिव्यू कल कैप्चर करना नहीं हुआ था। काफी अच्छा है। हाँ। कल इवन सौरभ इतना ज़्यादा स्ट्रेस में था, मुझे बोलना भी भूल गया था कि कैसा बना है। फिर मैंने उसको पूछा ऐसे किया कि कैसा बना है, फिर उसने ऐसा किया। आज उसने ऑनेस्ट रिव्यू दिया है, चाय और गर्मा गर्म आलू का पराठा। एक्चुअली ना हम लोग जब भी डिनर में ये स्पेशल पराठे या पूरी बनाते हैं ना तो सुबह के टाइम के लिए एक दो एक्स्ट्रा ही बना के रखते हैं, क्योंकि चाय के साथ हम लोगों को ये पराठा या तो फिर पूरी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है।
और ये देखिए दीदी का काम हो गया। जा रही हो दीदी? हाँ। पराठा खा के जाओ। नहीं दीदी कुछ नहीं खाती। नहीं दीदी बोलेगा ही नहीं ऐसी कभी। ठीक है जाओ, दरवाजा बंद कर दा। यहाँ पे ना हमारे घर के सामने और एक स्कूल है, ये शायद 10th या 12th तक है, शिशु मंदिर है स्कूल का नाम। वैसे आप लोगों को इतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये ना कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे शायद देख पा रहे कि नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा है कैमरे में कितना क्लियर आ रहा है। तो यहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट्स लोगों का कुछ चल रहा है काफ़ी टाइम से ना, यहाँ पे माइक में कुछ वो लोग अपने लैंग्वेज में बोल रहे हैं। शायद आप लोगों को वो सुनाई तो दे रहा होगा, लेकिन एज यूजल लैंग्वेज भी मुझे पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। और देखिए सुबह के टाइम से तो काफ़ी धूप थी, अचानक से अभी बादल जमा होना स्टार्ट हो गई है। एकदम दोपहर के 2 बजे के बाद से ही ना खतरनाक बारिश स्टार्ट हो जाती है। सुबह के टाइम पे हल्की सी धूप होती है, कपड़ा वपड़ा अगर कुछ धोने का होता है ना तो सुबह के टाइम पे ही धो डालना पड़ता है, यानी अर्ली मॉर्निंग। सो ब्रेकफास्ट करके मैंने बिना टाइम वेस्ट किए आ गई थी किचन में, और अभी लंच भी मेरा एकदम से बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे दाल ऑलरेडी कल का थोड़ा सा है, आज ना एक्चुअली सच बोलूँ तो इतना कुछ लंच बनाने का मेरा था नहीं, एकदम से शॉर्टकट में मेरा हो गया। सो दाल है, पतीले में चावल है, और ये सीम चौचड़ी ये भी कल का ही है। काफ़ी सारा छीमी था ना, तो कल इतना सारा तो हम लोग एक टाइम पे खा के ख़त्म नहीं कर पाए। और मछली भी मैं कल ही फ्राई करके रख दी थी, ज़्यादा मछली नहीं था, एक टेल का एक पीस था और एक मिडिल का पीस था और 2 पीस मछली का हेड था, तो उसको मैंने आलू डाल के कालिया बना लिया है। इसको बोलते हैं रुई मच्छर कालिया। तो इसकी ना रेसिपी ऑलरेडी काफ़ी टाइम मैंने आप लोगों से शेयर की है, कातला फिश का कालिया, रघु फिश का कालिया, तो इसलिए मैंने आज और कुछ शेयर नहीं किया। और यहाँ पे देखिए आज का शो स्टॉपर क्या है, सी ये है गुड़ आम, यानी जैगरी पाउडर डाल के मैंने कच्चा आम का यहाँ पे चटनी बनाई है। फ्रिज में ना 2 आम पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा क्या ही करूँ, पहले सोचा था कि इसको टॉक दाल बनाऊंगी, यानी खट्टा दाल मसूर के दाल के साथ जो बनता है। फिर थोड़ा सा मेन्यू में मैंने चेंज कर लिया क्योंकि दाल ऑलरेडी तो है कल का, तो मैंने सोचा क्यों ना गुड़ आम ट्राई करते हैं। तो ये रेसिपी आज मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया है जस्ट बिकॉज ऑफ ये मैंने आज पहली बार ट्राई की है, तो आज खा के देखेंगे इनकेस अगर अच्छा बनता है भगवान की कृपा से। सो नेक्स्ट टाइम अगर मैं गुड़ आम बनाऊंगी तो उस टाइम पे मैं आप लोगों से डेफिनेटली शेयर करूंगी। सो मैं तो इतना चटनी गुड़ आम खट्टा ये सब कुछ तो मैं इतना पसंद नहीं करती हूँ, तो मैंने बस थोड़ी सी ना उंगली में लेके ऐसे मैंने चाट के देखा है तो बहुत ही मस्त बनी है। तो मैं सोच रही हूँ कि हमारा जो नेबर है ना उनका, ये देखिए ये छोटू सा कटोरी हमारे पास काफ़ी दिन से है, वो लोग डोसा के साथ चटनी भेजे थे जो कि चटनी इस कटोरी में भेजे थे, तो ये कटोरी इतना ही छोटा है, मैं सोच सोच के हैरान हो जाती थी कि इसमें मैं क्या भेजूँ, सब्जी वगैरह तो इतना छोटा सा कटोरी में भेज नहीं सकते। तो चलिए आज इसमें चटनी भेज देते हैं क्योंकि चटनी तो बहुत ही कम क्वांटिटी में ही सब लोग खाते हैं, तो इससे ही उन लोगों का हो जाएगा। सौरभ पूजा कर रहा है, बैकग्राउंड में घंटी का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। लास्ट टू लास्ट महीने में ना मैंने थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स ऑर्डर की थी बिग बास्केट से, ये देखिए काजू और किशमिश, जो कि एकदम से ना अंदर चला गया था जहाँ पे डब्बा रहता है ना उसके एकदम पीछे के साइड में चला गया था, तो मुझे याद ही नहीं था। लास्ट महीने भी मैंने फ्रेश काजू और किशमिश ऑर्डर की थी और ये वाला डब्बा मुझे आज मिली है 2 महीने बाद। देखिए काजू और किशमिश का क्या हालत है, पूरा इसमें ना कीड़ा लग गया है, ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, धूप में डाल के भी ये यूज़ नहीं हो सकता, एकदम से कीड़ा इसमें एकदम भर गया है सी। तो इसको अभी फेंकने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, इतना सारा था, देखिए पूरा पैसा बर्बाद। इतना ख़राब लगता है ना ग्रॉसरी के चीज़ें, वो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो कि इतना महंगा आता है, ये सारी चीज़ें अगर फेंकना पड़ता है ना बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, लेकिन क्या करूँ, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, इसको फेंकना ही पड़ेगा। हमारे आसपास ना सब लोग को पता चल गया है कि हम लोग साउथ इंडियन डिश बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी मैं गई थी ना गुड़ आम देने के लिए उन लोगों को, तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि सुबह के टाइम पे 8 बजे आपके दरवाजे पे मैंने नॉक किया था, गर्मा गर्म पेपर डोसा जो क्रिस्पी वाला होता है ना तो वो बनाया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दे के आती हूँ क्योंकि सौरभ को बहुत पसंद है डोसा और मुझे इडली ज़्यादा पसंद है, तो बोले कि मैंने नॉक किया लेकिन आप लोग कोई दरवाज़ा ही नहीं खोले, तो मैंने बोला आपको बेल बजाना चाहिए था ना, बेल बजाते तो हम लोग श्योर उठ जाते, क्योंकि देखिए हमारा मेन डोर जो है ना वो यहाँ पे है
और हमारा बेडरूम है यहाँ पे, और हमारा मास्टर बेडरूम काफ़ी बड़ा है, तो हम लोग ना ये वाला दरवाज़ा लॉक करके सोते हैं। तो अगर कोई दरवाजे पे नॉर्मल अगर नॉक करते हैं तो हम लोग को वो सुनाई नहीं देता, अगर बेल बजाते हैं तो डेफिनेटली सुनाई देता है। जैसे कि दीदी जब आती है काम करने में तो दीदी आके प्रॉपर बेल बजाती है तो फिर पता चल जाता है। तो मैंने बोला कि हाँ एक्चुअली 8-8:30 बजे तो हम लोग मैक्सिमम टाइम सोते हैं, 9 बजे के आसपास हम लोग उठ जाते हैं। बहुत ही रेयर होता है कि हम लोग 6-7 बजे उठते, नहीं तो मैक्सिमम हम लोग 8 बजे के बाद या 9 बजे भी कभी कभी उठते हैं। तो बोला कि ठीक है फिर नेक्स्ट टाइम से जब भी कुछ ब्रेकफास्ट आपको भेजना होगा मैं 9 बजे नॉक करूंगी। तो मैंने बोला नॉक मत करना, डोर बेल बजाना, तभी जाके हम लोगों को सुनाई देगा। तो उन लोगों को गुड़ आम में दे के आई हूँ, वो लोग टेस्ट करके बाद में बताएंगे कि उन लोगों को कैसा लगा है। फिलहाल चलिए सौरभ का भी पूजा वूजा सब कुछ कंप्लीट हो गया है, तो अभी मैं भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद खाना लगा देती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन, यहाँ पे मैंने बना लिया है दोनों के लिए गर्मा गर्म इलायची और अदरक वाली चाय, साथ में लेंगे बिस्किट। आज ना कुछ भी स्नैक्स बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो मैंने सोचा कि ना बिस्किट से ही काम चला लेते हैं। और मैं ना आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, उससे पहले ये नज़ारा टोटली इग्नोर करना। मैंने आप लोग को बोला था ना कि हमारा ओनर बोले थे ऑलरेडी कि नेक्स्ट वीक आके इसको रिपेयर करवा देंगे, जो कि वो नेक्स्ट वीक आया ही नहीं, और कब आएगा वो भी नहीं पता। फिलहाल के लिए इस नज़ारा को छोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। सी सनसेट का टाइम है और कितनी मीठी लग रही है ना आसमान, ये देखिए पैसा वसूल व्यू है, सच बोल रही हूँ। कितनी प्यारी लग रही है ना, और हवा भी बहुत मीठी सी चल रही है। कुछ देर बाद ना जब थोड़ा और अंधेरा होगा उस टाइम पे ना ये बिल्डिंग का सारे लाइट्स ऑन हो जाएंगे, यानी सब लोग अपने अपने लाइट्स ऑन कर लेंगे घर के, तो ना और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, जो कि आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में ऑलरेडी नोटिस किया ही है। तो चलिए चाय पी लेते हैं। हेलो, गेस व्हाट, कल मैं अपने जिस नेबर्स के बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी ना, जोसना, जिसके साथ मैं पार्लर गई थी, सो वो जस्ट अभी अभी आई थी हमारे घर पे, और उसने मुझे पहले ही टेक्स्ट कर दिया था कि उसने बिरयानी बनाई है, तो मुझे बोल दिया था कि तुम डिनर मत बनाओ, मैं बिरयानी लेके आऊँगी। तो मेरा तो यहाँ पे ऑलरेडी दोपहर का कुछ लेफ्ट ओवर खाना है ही, मछली करी एंड ऑल सब कुछ है, तो वो सारा सब कुछ चला जाएगा फ्रिज में। और आज हम लोग डिनर में खाने वाले हैं जोसना का बनाया हुआ गर्मा गर्म बिरयानी। ओ माई गॉड, इट्स रियली हॉट। तो देखते हैं, साथ में तो बहुत सारे डब्बे आए हैं, क्या क्या है, वाओ, इसमें रायता है, रायता भी भेजिए। चलो सही बात है, यहाँ पे भी एक टिफिन बॉक्स है, इसमें क्या है, ओके दिस इज कॉल्ड मिर्ची का सलाद, उसने मुझे ऐसा ही बोला, मैंने ये टेस्ट नहीं किया कभी, सो दिस इज मिर्ची का सलाद। सी यहाँ पे ना मिर्ची है, ग्रेवी है, जो मतलब प्रॉपर रेस्टोरेंट में जैसे देते हैं ना, हम लोग तो बिरयानी बनाते हैं मिर्ची का सलाद वगैरह इतना कुछ बनाते नहीं है, लेकिन वो लोग बनाते हैं। और इसमें है, आ हा हा, बैग के अंदर से ही इसकी खुशबू आ रही है, आई हाय सी, वो लोग ना स्पेशली आंध्रा से है, मेरे मुंह से पानी आ रहा है, वो लोग ना आंध्रा से है, तो यहाँ पे वहाँ का आंध्रा का स्पेशलिटी जो स्पेशल जो बिरयानी है वही उसने यहाँ पे बनाई है। चलो सही बात है, एकदम गर्मा गर्म है, क्या खाने लगा दूं? अभी और सौरभ को कॉल वॉल कुछ नहीं है, ठीक है, जब से बिरयानी आया है और जब से जोसना गई है हमारे घर से, सौरभ इज लाइक जल्दी खाना लगाओ जल्दी खाना लगाओ, बिरयानी ठंडा हो जाएगा। मैं उसको बोल रही हूँ कि रुक जाओ, हमारे घर पे माइक्रोवेव है, अगर बिरयानी ठंडी हो जाती है तो मैं दोबारा गर्म कर दूंगी, लेकिन नहीं, उसको अभी खाना है। चलिए सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म बिरयानी, देरी किस बात की है ना, शुभ काम में देरी करना नहीं चाहिए। बंगाली में कहावत है ना, शुभ स्र शीघ्र, यानी शुभ काम जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। सौरभ देगा रिव्यू आंध्र स्टाइल बिरयानी का, मस्त है ना, ओ भाई साहब बहुत बढ़िया, मजा। चलो मेरे लिए भी थोड़ा रखना, ठीक है। चलिए मैं भी बैठ जाती हूँ खाने के लिए, नहीं तो और नहीं मिलेगा मुझे, सौरभ भी सब कुछ खा लेगा, सलान रायता। मुझे ना यूजुअली रायता इतना पसंद नहीं है, लेकिन सौरभ जो बनाता है ना वो रायता मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, मैं रेस्टोरेंट वगैरह कहीं पे भी जाके मैं रायता कभी खाती नहीं हूँ,
ओनली सौरभ का हाथ का रायता ही मैं पसंद करती हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी ज्योत्सना का बनाया हुआ ये रायता इतनी अच्छी बनी है ना कि आधा मैं ही खा ली हूँ बाकी सौरभ के लिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रखी है। और बिरयानी भी इतना ज़्यादा टेस्टी है, क्वांटिटी भी बहुत सही दिया है उसने। मैं तो वही सोच रही थी कल सुबह के लिए भी थोड़ा सा रहना जाए, उसके बाद थोड़ा सौरभ को ही ज़्यादा मैंने दे दिया, मैंने बोला तुम खा लो सुबह के लिए और रखो मत। तो चलिए अभी हम लोग हमारा डिनर एंजॉय कर लेते हैं। सौरभ तो आज और कुछ बात ही नहीं कर रहा है बिरयानी में ही डूब गया हुआ है ना, मजा आ गया। और मिर्ची का सलाद भी बहुत मस्त है, मजा आ गया, मजा आ गया। ज्योत्सना के टिफिन बॉक्स में ना मैं उसको कुछ बंगाली डिश बना के भेजूंगी, मैंने उसको ऑलरेडी बोल दिया है, तो जब कभी मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगी बंगाली डिश में से ही उस टाइम पे मैं उसको कुछ ना कुछ भेजूंगी। एनीवेज डिनर तो हमारा हो गया है और हल्की सी ना मैंने किचन थोड़ी सी क्लीन कर ली है, क्योंकि आज सुबह के टाइम से किचन क्लीन करना नहीं हुआ था, बर्तन वगैरह सब कुछ सिंक में मैंने अच्छे से अरेंज करके रख दी है, बाकी तो दीदी आके सुबह के टाइम पे बाय डिफॉल्ट करेगी ही। तो चलिए अभी मैं सो जाऊंगी, वीडियो एडिटिंग वगैरह सब कुछ मेरा हो गया है। सोने ही जा रही थी तब मुझे याद आया वीडियो एडिट करते करते कि वीडियो मैंने एंड नहीं किया है, तो अभी देखिए टाइम हो रही है रात के 1:15, जो कि मेरे कैमरे में उल्टा दिखता है। और यहाँ पे सौरभ कर रहा है ऑफिस का काम, उसका तो अभी कितने बजे, 3 या 3:30 बजे तक, तुम्हारा 3 बजे तक अभी वो काम करेगा ऑफिस का। और मैं क्या करूँगी, मैं अभी जाऊँगी सो जाऊँगी, मेरा बस और कोई काम नहीं है, वो इस रूम में वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, मैं इस रूम में यानी मास्टर बेडरूम में, मैं अभी सो जाऊँगी। तो कल सुबह सुबह और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ आप सबके साथ मिलेंगे, कल वीकेंड है, वीकेंड स्पेशल ब्लॉग में आप सबको मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए और स्माइल करते रहिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। बाय बाय, गुड नाइट।